हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस पार्ट के लेखक जो है वो है एजी गार्डनर, जो कि एक पत्रकार थे और साथ ही साथ वो एक निबंध के लेखक भी थे। उनका जन्म 1865 में हुआ था। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने द डेली न्यूज़, जो कि लंदन में है, उसमें 17 वर्ष तक कार्य किया है। वहाँ पे वो एक संपादक के पद पर थे। उन्होंने कई सारे निबंध लिखे हैं अपने नाम से, जिनमें से एक था अल्फा ऑफ द प्लो। उनके कई सारे लेखन जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि प्रिस्ट एंड किंग्स, पेबल्स ऑफ द शोर, लीव्स इन विंड्स। उनकी मृत्यु 1946 में हुई थी, लेकिन आज भी उनके महान लेखनों की वजह से उन्हें याद किया जाता है और उन्हें जाना जाता है। तो चलिए अब इस लेसन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो पाठ है वो लीव्स इन विंड्स, जो निबंध है एजी गार्डनर का, उससे लिया गया है। ये एक व्यक्तिगत निबंध है, यानी कि ये उनके व्यक्तित्व के एवं उनके अनुभव जो उन्होंने किए हैं उसके बारे में है। यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं वो अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं कि किस प्रकार वो एक मच्छर से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए। वो मच्छर जो उनका सहयात्री बन गया या उनके साथ में एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था या उस ट्रेन में था जहाँ पर वो थे, तो किस प्रकार से वो उससे प्रभावित हो गए, किस प्रकार से उस मच्छर की वजह से इनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए या क्या क्या भावनाएं आई, उन्हीं भावनाओं को या उन्हीं उसी अनुभव को उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो चलिए हम इस पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरियज फर्स्ट। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन, अ स्टॉपिंग ट्रेन, एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone. तो ये जो starting paragraph है, इसमें जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि I do not know, I यानी मैं, do not जिसका मतलब होता है नहीं, know यानी जानना, यानी कि मैं नहीं जानता, which of us यानी कि हम में से कौन, got यानी आया, into यानी में, the carriage यानी रेल का डब्बा, first यानी पहले। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं I do not know यानी कि मैं नहीं जानता, which of us यानी हम में से कौन, got into the carriage रेल के डब्बे में आया first यानी कि पहले। तो ये लाइन है इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन इस रेल के डब्बे में पहले आया। I did not know, I यानी मैं, Did not का मतलब ही होता है नहीं, लेकिन ये past में होता है। No यानी जानना, यानी कि मैं नहीं जानता था। He was in the carriage, he यानी वह, was यानी था, in यानी में, the carriage यानी रेल का डब्बा, यानी कि वह रेल के डब्बे में था। तो जो लेखक वो कह रहे हैं कि I did not know, मैं नहीं जानता था, he was in carriage की वह रेल के डब्बे में था। At all for some time, at all यानी बिल्कुल भी, for यानी के लिए, some time यानी कुछ समय, यानी कुछ समय के लिए। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि I did not know he was in the carriage at all for some time,
कह रहे कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो थोड़े समय से इस रेल के डब्बे में था कि नहीं। उनके उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो सहयात्री है वो उस डब्बे में था भी कि नहीं था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, इट यानी यह, वॉज यानी था, द लास्ट यानी अंतिम ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, यानी कि यह अंतिम रेलगाड़ी थी फ्रॉम लंदन, यानी कि फ्रॉम मतलब होता है से, यानी लंदन से टू अ मिडलैंड टाउन, टू जो एक इसका यहाँ पे मतलब होगा कि तक हम कह सकते हैं, मिडलैंड यानी कि मध्य, टाउन यानी शहर। तो इसमें जो लेकर के बता रहे हैं, इट वॉज द लास्ट ट्रेन यानी कि अंतिम ट्रेन थी या अंतिम रेलगाड़ी थी फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, यानी कि लंदन से मध्य शहर के लिए, यानी कि लंदन से लेकर मध्य शहर के लिए जाने के लिए ये अंतिम ट्रेन थी जिस ट्रेन में वो बैठे थे। अ स्टॉपिंग ट्रेन, अ यानी एक, स्टॉपिंग यानी रुकने वाली ट्रेन यानी रेलगाड़ी, यानी कि वह एक रुकने वाली यानी कि रुक रुक के चलने वाली रेलगाड़ी थी। हो सकता है कि वो एक पैसेंजर ट्रेन हो तो जिसके कारण से वो हर एक स्टेशन पर रुक रही थी, तो ये कह रहे हैं कि वो एक रुक रुक के चलने वाली एक रुकने वाली रेलगाड़ी थी। एन इन्फिनिटली लिश्योली ट्रेन, एन यानी एक, इन्फिनिटली लिश्योली का मतलब होता है कि बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो बता रहे हैं कि वह एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, वन ऑफ दोज यानी उनमें से एक, ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी, यानी कि वह उनमें से एक रेलगाड़ी थी। विच गिव यू, विच यानी जो, गिव यानी देना, यू यानी तुम्हें, जो तुम्हें देगी एन अंडरस्टैंडिंग, एन यानी एक, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ या फिर ज्ञान, ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब होता है अंत समय। तो यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहे हैं कि वो जो ट्रेन थी वो रुक रुक के चलने वाली थी और एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन यानी कि ये उनमें से एक ट्रेन थी। विच गिव यू, जो तुम्हें देर या जो तुम्हें दे सकती है या जो तुम्हें देती है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अंत समय का ज्ञान, यानी कि वो ट्रेन के बारे में ये कह रहे हैं कि ये एक इस प्रकार की ट्रेन थी जो तुम्हें एक अंत समय का ज्ञान दे सकती है। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक बता रहे हैं ट्रेन की व्याख्या करते हुए कि ये अंतिम ट्रेन थी लंदन से मध्य शहर के लिए, ये रुक के चलने वाली ट्रेन थी और बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। ये उनमें से एक ट्रेन थी जो आपको अंत समय का ज्ञान दे सकती है, यानी कि जो इतना धीरे चलती है कि आपको ऐसा लगे कि हमें अंत समय का ज्ञान हो रहा है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, इट यानी यह, वॉज यानी थी, टॉलरेबली यानी काफी, फुल यानी भीड़ से भरी हुई, यानी कि वो जो ट्रेन थी वो काफी भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन यानी जब, इट यानी यह, स्टार्टेड यानी शुरू हुई। तो जो लेखक है वो बता रहे कि जब ट्रेन शुरू हुई या जब पहले स्टॉपेज वो थी, जब उसने शुरू किया अपनी यात्रा करना, तो वो काफी भरी हुई थी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, यात्री उसमें भरे हुए थे। बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, एज यानी जैसे, वी यानी हम, स्टॉप्ड यानी रुके, यानी कि लेकिन जैसे ही हम रुके एट द सबर्बन स्टेशन, एट यानी पर, सबर्बन स्टेशन यानी कि जो बड़े शहरों के आसपास के जो स्टेशन होते हैं वहां पर, तो लेखक बता रहे हैं कि लेकिन जैसे ही हम बड़े बड़े स्टेशनों के आसपास रुके, द ट्रेवलर्स यानी कि यात्री अलाइटेड यानी उतर गए, इन यानी में, वंस एंड टूज का मतलब होता है एक एक या दो दो करके। तो जो लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही हम बड़े शहरों के आसपास उतरे, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, जो यात्री थे वो उतर गए इन वंस एंड टूज यानी कि एक एक दो दो करके, एंड यानी कि और,
बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है कि जिस समय वी यानी कि हम हैड, जो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट यानी छोड़ा, तो लेखक बता रहे हैं एंड बाय द टाइम, और जिस समय तक वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ा द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड. द आउटर रिंग, आउटर रिंग का मतलब होता है बाहरी सीमा, ऑफ जो कि का के की के लिए उपयोग होता है, लंदन यानी कि लंदन जो एक जगह का नाम है, बिहाइंड यानी पीछे. तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि एंड बाय द टाइम, और जिस समय तक वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ा द आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन के बाहरी सीमा को, बिहाइंड यानी पीछे. तो जो लेखक है वो इस लाइन में कह रहे हैं कि जिस समय तक हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, आई वॉज अलोन, आई यानी मैं, वॉज यानी था, अलोन यानी अकेले. तो वो बता रहे कि जिस समय उन्होंने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, आई वॉज अलोन, मैं अकेले था, और यानी कि या रेदर यानी बल्कि, यानी या बल्कि आई थॉट, आई यानी मैं, थॉट यानी सोचा, आई वॉज अलोन, आई यानी मैं, वॉज यानी था, अलोन यानी अकेले. तो जो लेखक है वो इसमें बता रहे हैं कि आई वॉज अलोन, मैं अकेले था, और रेदर या बल्कि आई थॉट, या फिर मैं बस सोच रहा था कि आई वॉज अलोन, कि मैं अकेले हूं. तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जो स्टेशन, जो ट्रेन थी, जब वो शुरू हुई तो वो काफी भरी हुई थी लोगों से, लेकिन जैसे जैसे कि वो थोड़े थोड़े स्टेशन पे आते गए, तो यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए, और जिस समय तक उन्होंने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, वो उन्हें ऐसा लगा कि वो अकेले हैं, या फिर सिर्फ वो सोच रहे थे कि वो अकेले हैं, मतलब कि वो अकेले नहीं थे. तो चलिए इस पैराग्राफ को हम एक बार और पढ़ लेते हैं. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट. जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि हम में से कौन इस रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले आया है. इनडीड आई डिड नॉट नो, हालांकि मैं ये भी नहीं जानता, ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय के लिए इस डब्बे में था कि नहीं था. यानी कि वो बिल्कुल ये भी नहीं जानते हैं कि वो इससे पहले जो उनका सहयात्री था वो इस डब्बे में था कि नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था इस बात का. इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन, यानी लंडन से मध्य शहर के लिए. अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली या रुक कर चलने वाली ट्रेन थी. एन इन्फिनिटली श्योरली ट्रेन, एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी. वन ऑफ दोज ट्रेन, ये उनमें से एक ट्रेन थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो तुम्हें अंत समय का ज्ञान दे देती है. यानी कि वो उस तरह की ट्रेन थी जिसमें आप बैठोगे तो आपको अंत समय का ज्ञान हो जाएगा. इट वॉज टॉलरेबली फुल वेन इट स्टार्टेड, यानी कि जब वो शुरू हुई तब वो काफी भरी हुई थी लोगों से. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, और लेकिन जैसे ही हम आसपास के बड़े शहरों के जो पास के स्टेशन थे वहां पे जो ट्रेन है वो रुकी, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, जो यात्री थे वो उतरते गए इन वंस एंड टूज, यानी कि एक एक दो दो करके. एंड बाई द टाइम, और जिस समय तक वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ दिया था द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड, लंडन के बाहरी सीमा को पीछे, यानी कि जिस समय तक हमने लंडन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया था, आई वॉज अलोन, मैं अकेले था, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या बल्कि मैं बस सोच रहा था कि मैं अकेले था. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि कौन इस रेल के डब्बे में पहले आया है, यानी कि उनका सहयात्री या वो, इन दोनों में से कौन इस रेल के डब्बे में पहले आया है. हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनका यात्री, उनका जो सहयात्री है वो पहले से इस डब्बे में था कुछ समय के लिए.
वो जो ट्रेन थी जिसमें वो थे, वो अंतिम ट्रेन थी लंदन से मध्य स्टेशन के लिए, मध्य शहर के लिए। वो एक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, एक ऐसी ट्रेन थी जो कि बहुत धीमी गति से चल रही थी, और ये उनमें से एक ट्रेन थी जो आपको अंत समय का ज्ञान दे सकती थी। वो पूरी तरीके से भरी हुई थी जब वो शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे बड़े शहरों के जो आसपास के स्टेशन है वो आते गए, जो यात्री है वो एक एक दो दो करके उतरते गए, और जिस समय तक जो लेखक है उनका जो ट्रेन है वो लंदन के बाहरी हिस्से को पीछे छोड़ दिया, लेखक को ऐसा लगा कि वो अकेले हैं, लेकिन वो बस सोच रहे थे कि वो अकेले थे, बल्कि वो अकेले नहीं थे, उनका जो साथी यात्री था वो उनके साथ में ही था। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counterstroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two-step or practice a golf stroke or play marbles on the floor. Without let or hindrance, you can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can lie at full length on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA herself. Only DORA will not know that her heart is broken. You have escaped even DORA. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेखक है वो कहना चाह रहे हैं कि There is a pleasant sense of freedom. There का मतलब तो वैसे वहां होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब एक supporting के लिए होगा। Is यानी है, a यानी एक, pleasant यानी सुखद, sense यानी आभास, of जो कि का के लिए उपयोग होता है, freedom यानी आजादी। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं there is a pleasant sense यानी कि यहाँ पर एक सुखद आभास है ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, आजादी का। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, बीइंग यानी होना, अलोन यानी अकेले, इन यानी में, अ कैरियज यानी कि एक रेल का डब्बा, यानी कि एक रेल के डब्बे में अकेले होने के बारे में। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर आजादी की एक सुखद भावना है। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज, यानी कि एक रेल के डब्बे में अकेले होने के बारे में, यानी कि जो लेखक है वो उस रेल के डब्बे में अकेले थे, तो उस लिए उनके अंदर एक बहुत ही सुखद भावना थी। दैट इज जॉल्टिंग, दैट यानी जो, इज यानी है, जॉल्टिंग यानी झटके खाते हुए, Noisily यानी कि शोर में, यानी कि जो शोर में झटके खा रही थी, through the night, through का मतलब यहाँ होगा सारी, night यानी रात। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि there is a pleasant sense of freedom, यानी कि आजादी की एक बहुत ही सुखद भावना है। About being alone in a carriage, एक रेल के डब्बे में अकेले होने की। That is jolting noisily through the night, जो कि रात भर शोर से झटके खा रही थी, यानी कि एक ऐसे ट्रेन के डब्बे में जो कि रात भर जिसमें शोर हो रहा था, उस डब्बे में वो अकेले थे, और वह जब अकेले थे तो वो एक स्वतंत्रता की एक बहुत ही अच्छी सी भावना उनके अंदर आ रही थी। It is liberty, it यानी यह, is यानी है, liberty का मतलब होता है आजादी, एंड यानी कि और,
अनरिस्ट्रेन, अनरिस्ट्रेन का मतलब होता है बंधन विहीनता। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, यानी कि यह एक आजादी है और बंधनहीनता है, यानी कि वो जिस जगह पर है वहां पे बहुत आजादी और एक बंधनहीनता है। इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म, इन यानी में, अ यानी एक, वेरी यानी बहुत, अग्रीएबल यानी आनंदमय फॉर्म यानी तरीका, यानी कि एक बहुत ही आनंदमय तरीके में जिस जगह पर वो है वहां पर एक बहुत ही आनंदमय तरीके में आजादी और बंधनहीनता है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, डू यानी करना, यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, एनी थिंग यानी कुछ भी, यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद करना, यानी कि जो भी तुम पसंद करो। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, यानी कि यह एक आजादी है और एक बंधन विहीनता है, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक बहुत ही आनंदमय तरीके से। यू कैन डू एनी थिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक जो तुम्हें पसंद है या जो तुम पसंद करते हो। यू कैन टॉक, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, टॉक यानी बात करना, यानी कि तुम बात कर सकते हो। टू योर सेल्फ, टू यानी से, योर सेल्फ यानी खुद से। तो जो लेखक वो कह रहे हैं यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यानी कि तुम खुद से बातें कर सकते हो। एज लाउड एज, यानी जितना तेज हो उतना, यानी जितना तेज चाहो उतना। यू प्लीज, यू यानी तुम, प्लीज यानी यहाँ पर होगा पसंद करना या अच्छा लगना। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, यानी कि तुम अपने आप से बातें कर सकते हो जितना तेज तुम चाहो उतना, यानी कि जितना भी तेज तुम्हें पसंद हो उतना तेज तुम अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड यानी कि और, नो वन यानी कोई नहीं, विल जो एक हेल्पिंग वर्ब है, हियर यानी सुनना, यू यानी तुम्हें। तो जो लेखक वो कह रहे हैं एंड नो वन विल हियर यू, यानी कि कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि तुम अपने आप से जितना तेज चाहे उतना बात कर सकते हो अगर तुम अकेले हो और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो तुम्हें सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, हैव जो एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट यानी वह, आर्ग्यूमेंट यानी बहस, आर्ग्यूमेंट आउट यानी बहस छेड़ना। तो लेखक है वो बता रहे हैं कि यू कैन हैव यानी तुम पा सकते हो दैट आर्ग्यूमेंट आउट यानी कि वो बहस, यानी कि तुम एक बहस छेड़ सकते हो विथ जोन्स, विथ यानी साथ, जोन्स जो एक नाम है जो लेखक ने एक कल्पना के रूप में बताया है। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स, यानी कि तुम जोन्स के साथ एक बहस छेड़ सकते हो। एंड और, रोल हिम ट्रिम्फेंटली, रोल हिम का मतलब होता है कि उसे लुढ़का देना या हरा देना, एक तरह से हम कह सकते हैं। ट्रिम्फेंटली यानी विजय से, यानी कि एंड रोल इन ट्रिम्फेंटली, यानी कि और तुम विजय प्राप्त करके उसे लुढ़का सकते हो। इन द डस्ट, इन यानी में, डस्ट यानी धूल। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, यानी कि तुम जोन्स के साथ एक बहस छेड़ सकते हो। एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हो ट्रिम्फेंटली विजय के साथ, इन द डस्ट यानी धूल में। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, विदाउट यानी बिना, फियर यानी डर, ऑफ जो कि का के लिए उपयोग होता है, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है विरोध। तो जो लेखक है बताया ना कि बिना किसी विरोध के डर से तुम उसे मिट्टी में लुढ़का सकते हो, वो भी एक विजय के साथ। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है बता रहे हैं यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट विद जोन्स, यानी कि तुम जोन्स के साथ एक बहस को छेड़ सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन डस्ट, और उसे विजय के साथ मिट्टी में लुढ़का सकते हो या उसे मिट्टी में मिला सकते हो। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विरोध के डर के, यानी कि तुम्हें किसी विरोध का डर नहीं है क्योंकि अगल बगल कोई नहीं है, तुम अपने कल्पना वाले व्यक्ति के साथ एक बहस छेड़ सकते हो और उसे हरा सकते हो, उसे मिट्टी में लुढ़का सकते हो और विजय प्राप्त कर सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड,
यू यानी तुम, कैन यानी सकना, स्टैंड यानी खड़ा होना, यानी कि तुम खड़े हो सकते हो। ऑन योर हेड, ऑन यानी पर, योर यानी तुम्हारे, हेड यानी सिर, यानी कि तुम्हारे सिर पर। तो जो लेखक वो कह रहे हैं कि तुम अपने सिर पर खड़े हो सकते हो। एंड यानी कि और, नो वन विल सी यू, नो वन यानी कोई नहीं, विल जो एक हेल्पिंग वर्ब है, सी यानी देखना, यू यानी तुम्हें, यानी कि कोई तुम्हें नहीं देखेगा। तो ये जो लाइन है इसमें लेखक कह रहे हैं, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, यानी कि तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, एंड नो वन विल सी यू, और कोई तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, सिंग यानी गाना, यानी कि तुम गा सकते हो, और या डांस या नाच सकते हो, और टू स्टेप्स, टू स्टेप्स यानी दो कदम। तो लेखक कह रहे हैं कि यू कैन सिंग और डांस आर टू स्टेप्स, यानी कि तुम गा सकते हो या तुम नाच सकते हो एक दो कदम। और यानी कि या प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, ऑफ यानी का के की, गोल्फ स्ट्रोक का मतलब होता है गोल्फ के जो खेल होता है उसमें जो खेला जाता है, यानी कि एक विरोध किया जाता है या फिर उसे मारा जाता है, तो तुम उसका अभ्यास भी कर सकते हो, यानी कि गोल्फ के खेलने का अभ्यास भी तुम कर सकते हो। और या प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, प्ले यानी खेलना, मार्बल्स यानी कंचे, ऑन यानी पर, फ्लोर यानी जमीन, यानी कि तुम जमीन पर कंचे भी खेल सकते हो। Without let or hindrance, without यानी बिना, let or hindrance का मतलब होता है विरोध, यानी कि बिना किसी विरोध के। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि you can sing, तुम गा सकते हो, और dance two steps या फिर एक दो कदम नाच सकते हो, और practice of golf stroke या फिर तुम चाहो तो golf खेलने का भी अभ्यास कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर या फिर जमीन पर कंचे खेल सकते हो, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी के विरोध के, क्योंकि उस डब्बे में और कोई है नहीं, तो ये सब चीज तुम कर सकते हो और कोई भी ऐसा है नहीं जो तुम्हारा विरोध करेगा। यू कैन ओपन द विंडो, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, ओपन यानी खोलना, यानी कि तुम खोल सकते हो, द विंडो यानी कि खिड़की, और या शट इट यानी कि बंद करना। तो जो लेखक वो कह रहे हैं यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, यानी कि तुम चाहो तो खिड़कियां खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, विदाउट यानी कि बिना, प्रवोकिंग यानी उत्तेजित करना, अ प्रोटेस्ट यानी कि एक विरोध, यानी कि बिना किसी विरोध के उत्तेजित होने से तुम, मतलब कोई भी है नहीं तो कोई भी अपने विरोध को कहेगा नहीं, यानी कि कोई भी विरोध उत्तेजित नहीं करेगा, तो तुम खिड़की को चाहो तो खोल सकते हो या चाहो तो बंद कर सकते हो। तो लेखक वही कह रहे हैं कि यू कैन ओपन द विंडो, यानी कि तुम खिड़की खोल सकते हो और शट इट या उसे बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के उत्तेजित होने से, यानी कि कोई भी विरोध नहीं करेगा, तुम खिड़की बंद करना चाहो तो करो या खोलना चाहो तो खोल सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, यानी कि यू कैन यानी, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, ओपन यानी खोलना, यानी कि तुम खोल सकते हो, बोथ विंडोज, बोथ यानी दोनों, विंडोज यानी खिड़कियां, और यानी कि या शट यानी बंद करना, बोथ यानी दोनों। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि यू कैन ओपन बोथ विंडोज, यानी कि तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो, और शट बोथ, और यानी या, तो यानी कि तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उस पूरे डब्बे में तुम अकेले हो। तो लेखक इस लाइन में ये कह रहे हैं कि तुम चाहो तो दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो या चाहो तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उस डब्बे में तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। इनडीड यानी कि बदले में, यू कैन यानी, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, गो ऑन यानी जारी रखना, यानी कि या फिर बदले में तुम चाहो तो जारी रख सकते हो, ओपनिंग देम, ओपनिंग यानी खोलते रहना, देम यानी उन्हें, एंड यानी कि और, शटिंग देम, शटिंग यानी बंद करते रहना, देम यानी उन्हें। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं इनडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, यानी कि अगर या तो तुम चाहो
तो तुम जारी रख सकते हो उन्हें खोलते रहना या उन्हें बंद करते रहना. एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एज यानी जैसे, अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल का मतलब होता है एक उत्सव मनाने के रूप में. ऑफ फ्रीडम, ऑफ जो कि काके के लिए उपयोग होता है, फ्रीडम यानी आजादी, यानी कि एक आजादी का उत्सव मनाने के लिए तुम चाहो तो उन्हें खोलते रह सकते हो या उन्हें बंद कर सकते रह सकते हो. यानी कि वो जो खिड़कियां हैं वो एक आजादी के, एक स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में तुम चाहो तो उन्हें खोलते रहो और चाहो तो उन्हें बंद करते रहो. तो इस लाइन में जो लेखक है वो बता रहे हैं कि तुम चाहो तो अगर खिड़कियों को खोलते रह सकते हो, चाहो तो उन्हें बंद करते रह सकते हो एक स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में. यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, हैव जो एक हेल्पिंग वर्ब है, एनी कॉर्नर, एनी यानी कोई, कॉर्नर यानी कोना, यानी कि तुम कोई भी कोना पा सकते हो या ले सकते हो. यू चूज, यू यानी तुम, चूज यानी चुनना, यानी कि जो भी कोना तुम चुनो, कोई भी कोना तुम ले सकते हो. एंड यानी कि और, ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, ट्राई का मतलब यहाँ पे होगा परीक्षा लेना. ऑल ऑफ देम यानी कि उनमें से सभी, इन टर्न यानी कि बारी बारी से. तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यानी कि तुम कोई भी कोना ले सकते हो, यू चूज जो तुम चुनो. एंड और, ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और अगर चाहो तो उन सभी की परीक्षा ले सकते हो बारी बारी से, यानी कि चाहो तो बारी बारी से हर एक कोने में जाकर बैठ सकते हो. यू कैन लाई, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, लाई यानी लेटना, यानी कि तुम लेट सकते हो. एट फुल लेंथ यानी कि पूरा लंबे होकर, एट फुल लेंथ का मतलब होता है लंबे होकर, यानी कि तुम लंबे होकर, पूरे तरीके से लंबे होकर लेट सकते हो. ऑन द कुशंस, ऑन यानी पर, कुशन यानी कि गद्दीदार सीट जो होती है ट्रेन में. तो जो लेखक है वो वही बात कर रहे हैं कि यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यानी कि तुम ट्रेन की गद्दीदार सीट पर पूरा लंबे होकर लेट सकते हो. एंड इन्जॉय द लग्जरी, एंड यानी और, इन्जॉय यानी आनंद लेना, और आनंद ले सकते हो द लग्जरी. लग्जरी का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं विलासिता, यानी कि प्रसन्नता, खुशी, वो चीज़ जिससे हमें खुशी मिलती है, जो ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो चीज़ करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है. तो जो लेखक वो कह रहे हैं कि इन्जॉय द लग्जरी, यानी कि तुम उस विलासिता को का मज़ा ले सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो. ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, ऑफ जो कि का के लिए उपयोग होता है, ब्रेकिंग यानी तोड़ना, रेगुलेशंस यानी नियम. तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यानी कि तुम ट्रेन की गद्दीदार सीट पर पूरा लंबे होकर लेट सकते हो. एंड इन्जॉय और आनंद ले सकते हो द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, यानी कि नियम के तोड़ने का जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, उसका मजा तुम ले सकते हो. एंड यानी कि और, पॉसिबली यानी कि संभवतः, द हर्ट ऑफ DORA, द हर्ट यानी कि हृदय, ऑफ जो कि का के लिए उपयोग होता है, DORA का मतलब होता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट. ये एक ऐसा नियम है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में लागू हुआ था. तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि इन्जॉय द लग्जरी, यानी कि तुम इस प्रसन्नता का आनंद ले सकते हो. और वो प्रसन्नता क्या है? वो प्रसन्नता है ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, यानी कि नियमों को तोड़ने की. एंड और, पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और ये जो इंग्लैंड का कानून है उसका हृदय तोड़ने का भी जो आनंद है वो तुम उठा सकते हो. तो ये जो लाइन है इसमें लेखक कह रहे हैं कि तुम चाहो तो ये जो गद्दीदार सीट है उसमें पूरा लंबे होकर लेट सकते हो, तुम चाहो तो जो नियम तोड़ने का आनंद है उसे भी ग्रहण कर सकते हो, और जो DORA यानी कि ये जो कानून है जो इंग्लैंड का, उसे, उसका दिल तोड़ने का भी आनंद ले सकते हो. हर सेल्फ यानी कि खुद, ओनली DORA विल नॉट नो, ओनली यानी सिर्फ, DORA यानी कि वही नियम,
डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, यानी कि इंग्लैंड का बनाया गया एक नियम। विल नॉट जो एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होगा नहीं, नो यानी जानना। तो जो लेखक बता रहे हैं कि खुद सिर्फ जो ये नियम है, यानी कि जो नियम के प्रतिपादक है, यानी कि जो उस नियम को चलाते हैं, विल नॉट नो, वो भी नहीं जान पाएंगे, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, दैट यानी कि हर यानी उसका, हर्ट यानी हृदय, इज यानी है, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। तो जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि हर सेल्फ यानी कि खुद, ओनली डी ओ आर ए विल नॉट नो, यानी कि जो नियम चलाने वाले हैं, यानी कि राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है, उसे भी नहीं पता चलेगा, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय टूट चुका है या तोड़ा जा चुका है। तो ये जो लाइन है, इसमें जो लेखक बता रहे हैं कि जो नियम वो तोड़ेंगे, वो खुद जो नियम के प्रतिपादक हैं, यानी कि जो राज्य सुरक्षा अधिनियम को चलाते हैं, उन्हें भी ये पता नहीं चलेगा कि उस नियम का दिल तोड़ा जा चुका है। यू हैव escaped, यू यानी तुम, हैव जो एक हेल्पिंग वर्ब है, escaped यानी बच जाना या भाग जाना, इवन डी ओ आर ए, यानी कि तुमने वो जो नियम है, वो कानून है, तुम उससे भी बच चुके हो, यानी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उस नियम को तोड़ा जा चुका है, क्योंकि तुम अकेले हो उस ट्रेन में। तो तुम उस नियम के तोड़ने से जो भी तुम्हें हानि होने वाली थी, तुम उससे भी बच चुके हो, यानी कि उस नियम से तुम बच गए हो अब। तो चलिए एक बार और इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही सुखद आभास है आजादी का या स्वतंत्रता का। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज, एक रेलगाड़ी के डब्बे में अकेले होने का, यानी कि एक रेलगाड़ी के डब्बे में अकेले होने की स्वतंत्रता का एक बहुत ही सुखद आभास है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट, वो रेलगाड़ी का डब्बा जो कि रात भर शोर से झटके खाते रहा है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म, यानी कि यह एक आजादी है और एक बंधन मुक्तता है, एक बहुत ही सुखद रूप में, यानी कि एक बहुत ही सुखद रूप में, आनंदमय रूप में यह एक आजादी और बंधन मुक्तता की भावना है। You can do anything you like, यानी कि तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। You can talk to yourself as loud as you please, तुम जितना जोर से चाहो उतना जोर से अपने आप से बातें कर सकते हो। And no one will hear you, और कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। You can have that argument, तुम बहस कर सकते हो out with John's, यानी कि John जो कि एक कल्पना है, उसके साथ तुम चाहो तो एक बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और उसे लुढ़का सकते हो एक विजय के साथ, इन द डस्ट यानी कि मिट्टी में, यानी कि तुम उसे मिट्टी में लुढ़का सकते हो विजय के साथ, यानी कि जीत कर तुम उसे मिट्टी में मिला सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, यानी कि बिना किसी विरोध के डर के तुम एक बहस कर सकते हो जोन्स के साथ और उसे हरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, यानी कि तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस अ टू स्टेप, या दो कदम नाच सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ, प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, यानी कि तुम चाहो तो गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अगर चाहो तो जमीन पर कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी के विरोध के। यू कैन ओपन द विंडो, तुम चाहो तो खिड़कियां खोल सकते हो। और शट इट, या तुम उसे बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध की उत्तेजना के, मतलब तुम उस जगह पर अकेले तो कोई विरोध नहीं करेगा, तुम चाहो तो खिड़की खोल सकते हो, चाहो तो उसे बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम चाहो तो दोनों खिड़कियां खोल सकते हो। और शट बोथ, या चाहो तो दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ओपनिंग देम एंड शटिंग देम
अगर तुम चाहो तो उन्हें जारी रख सकते हो, खोलना और बंद करना. एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी के यानी कि स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में, तुम चाहो तो दोनों खिड़कियों को बारी बारी से जारी रख सकते हो, खोलना और बंद करना. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम जो भी कोना चुनो तुम उसे ले सकते हो. एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या फिर अगर चाहो तो उन सभी को बारी बारी से, उन सभी पर बैठ सकते हो, उन सभी की परीक्षा ले सकते हो. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यानी कि तुम उस रेलगाड़ी के सीट पर, गद्देदार सीट पर एक पूरा लंबा होकर बैठ सकते हो. एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और मज़ा ले सकते हो नियम को तोड़ने का, यानी कि नियम को तोड़ने का जो आनंद है उसका मज़ा तुम उठा सकते हो. एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और अगर तुम चाहो तो DORA यानी कि राज्य सुरक्षा अधिनियम को का हृदय तोड़ने का भी मज़ा ले सकते हो. हरसेल्फ ओनली DORA विल नॉट नो, यानी खुद राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी ये पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है या टूट गया है. यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, तुम इस नियम से भी, यानी कि राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच सकते हो. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेखक है वो बता रहे कि जब तुम ट्रेन के डब्बे में अकेले हो तो तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. तो वो कहते हैं कि आज़ादी की एक बहुत ही सुखद भावना है, एक बहुत ही सुखद आभास है कि मैं इस ट्रेन के डब्बे में अकेले हूँ, उस डब्बे में जो कि जिसमें रात भर शोर हो रहा था और ये झटके खाते हुए चल रही थी. यह एक आज़ादी है और एक बंधन मुक्त होने की भावना है जो कि बहुत ही सुखद है, जो बहुत ही आनंदमय है. तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम खुद से जितनी ज़ोर से चाहो उतनी ज़ोर से बातें कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा. तुम चाहो तो एक कल्पना वाले, मतलब किसी भी व्यक्ति की कल्पना करके जो कि जोन्स हो, यानी कि उसका नाम उन्होंने जोन्स रखा है, तो तुम चाहो तो उनसे एक बहस कर सकते हो और उसे मिट्टी में लुढ़का सकते हो जीत के साथ, यानी तुम जीत कर उसे मिट्टी में लड़का सकते हो बिना किसी विरोध के डर से. तुम चाहो तो अपने सर पे खड़े हो सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा. तुम गा सकते हो, तुम चाहो तो एक दो कदम नाच सकते हो, तुम गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम चाहो तो ज़मीन पर कंचे खेद सकते हो बिना किसी के विरोध के. तुम चाहो तो खिड़की को खोल सकते हो या फिर उसे बंद कर सकते हो बिना किसी के विरोध के. तुम चाहो तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो, या फिर उन्हें खोलना और बंद रखना जारी रख सकते हो एक स्वतंत्रता के पर्व के उत्सव के रूप में. तुम जो कोना चुनो तुम वहां जा सकते हो या फिर बारी बारी से हर एक कोने में बैठ सकते हो. तुम जो गद्देदार सीट है उस पे पूरा फैल कर एकदम आज़ादी से लेट सकते हो, और ये नियम तोड़ने का जो मज़ा है, जो उसका आनंद है, उसे तुम उठा सकते हो, या फिर जो DORA यानी कि राज्य सुरक्षा अधिनियम है उसके दिल को तोड़ने का जो आनंद है वो भी तुम ले सकते हो, क्योंकि जो ये नियम है उसे भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसका दिल तोड़ा जा चुका है, और तुम उस नियम से भी बच जाओगे या भाग जाओगे. तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी. व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी. व्हेन द लास्ट ऑफ माय फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, आई पुट डाउन माय पेपर, स्ट्रेच्ड माय आर्म्स एंड माय लेग्स, stood up and looked out of the window of the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky. Crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. I flicked him off my nose
and he made a tour of the compartment, investigated its three dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. तो जो हमारे लेखक है वो इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, ऑन यानी पर, दिस यानी यह, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा इस, नाइट यानी रात, यानी कि इस रात पर या इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. आई यानी मैं, डिड नॉट जो एक हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब यहाँ पे होगा नहीं, डू यानी करना, यानी कि मैंने नहीं किया एनी ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई थिंग्स यानी चीजें, यानी कि पिछले पैराग्राफ में लेखक ने जो भी चीजें बताई थी कि वो ये सब चीजें कर सकते हैं अगर वो एक रेल के डब्बे में अकेले हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इस रात को आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इसमें से कोई भी चीज नहीं की. दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, दे यानी कि वे, डिड नॉट यानी कि नहीं, हैपन टू अक्योर, हैपन टू अक्योर का मतलब है हो जाना, टू मी, मी यानी मुझे, यानी कि वो चीज मुझसे हुई ही नहीं, यानी वो इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाए क्योंकि वो उनसे हो ही नहीं पाया. अब आइए देखते हैं कि क्यों नहीं हो पाया. वॉट आई डिड, वॉट यानी जो, आई यानी मैं, डिड यानी किया, यानी कि मैंने जो किया, वॉज यानी कि था, मच मोर ऑर्डिनरी, मच मोर यानी कि ज्यादा, कुछ ज्यादा, ऑर्डिनरी यानी सामान्य. तो जो लेखक बता रहे हैं व्हाट आई डिड यानी कि मैंने जो किया वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही सामान्य था. व्हेन द लास्ट ऑफ माय फेलो पैसेंजर्स, व्हेन यानी जब, लास्ट यानी अंतिम, ऑफ माय फेलो पैसेंजर, माय यानी मेरा, फेलो पैसेंजर यानी कि सहयात्री, यानी कि जब मेरे सहयात्रियों में का जो अंतिम व्यक्ति था, हैड गॉन, हैड जो एक हेल्पिंग वर्ब है, गॉन यानी चला गया, यानी कि जब मेरे सहयात्रियों में से जो अंतिम यात्री था वो चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, आई यानी मैं, पुट डाउन यानी नीचे रखना, माई यानी मेरा, पेपर यानी अखबार, यानी कि मैंने अपना अखबार नीचे रखा. Stretched my arms and my legs, stretched यानी फैलाया, my यानी मेरे arms यानी बाहें, and यानी और, my यानी मेरा, legs यानी पैर, यानी कि मैंने अपने हाथों को और अपने पैरों को फैलाया. तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि उस रात को मैं उसमें से कोई भी चीज नहीं कर पाया, वो चीजें मुझसे हुई ही नहीं, जो मैंने किया वो बहुत ही सामान्य था, जब मेरा सहयात्रियों में से जो अंतिम सहयात्री था वो उतर गया या चला गया, मैंने अपने पेपर को नीचे रखा, अपने हाथों को और अपने पैरों को फैलाया. स्टूड अप, या स्टूड अप यानी खड़ा होना, यानी कि मैं खड़ा हुआ, एंड यानी कि और. लुक्ड आउट, लुक्ड यानी देखा, आउट यानी बाहर, ऑफ जो कि का के लिए उपयोग होता है, विंडो यानी कि खिड़की के बाहर देखा. तो कह रहे कि मैं खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखा. ऑन द काम समर नाइट, ऑन यानी पर, काम यानी शांत, समर यानी गर्मी, नाइट यानी रात, यानी कि गर्मी की उस शांत रात में. थ्रू विच यानी कि जिसमें, आई वॉज जर्निंग, आई यानी मैं, वॉज यानी था, जर्निंग यानी यात्रा कर रहा. तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जब उनका अंतिम सहयात्री उतर गया तब उन्होंने अपने पेपर को नीचे रखा, अपनी बाहों को फैलाया और अपने पैरों को भी फैलाया, वो खड़े हुए और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा. ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था. नोटिंग यानी कि देखना, द पेल, पेल यानी पीला. रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस का मतलब कह सकते हैं स्मृतियां. ऑफ डे, ऑफ डे यानी कि डे यानी होता है दिन,
और ऑफ का मतलब यानी का के की, यानी कि दिन की जो स्मृतियां थी, जो हल्की पीली थी, वो उसे मैं देख रहा था. दैट यानी कि जो स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, स्टिल यानी अभी भी, लिंगर्ड यानी ठहरी हुई थी. इन द नॉर्थन स्काई, इन यानी में नॉर्थन स्काई यानी कि उत्तरी आसमान. तो जो लेखक वो बता रहे हैं कि नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस, यानी कि मैं वो जो पीली पीली स्मृतियां थी, हल्की पीले रंग की जो स्मृतियां थी ऑफ डे, दिन की, यानी कि दिन में जो धूप होती है उसकी जो हल्की पीली जो स्मृतियां थी, उसे लेखक देख रहे थे. दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, जो अभी भी ठहरी हुई थी उत्तरी आसमान के तरफ. क्रॉस्ड द कैरियज, क्रॉस यानी पार किया, द कैरियज यानी रेल के डब्बे को. तो जो लिखा के वो कह रहे हैं कि मैंने रेल के डब्बे को पार किया. एंड यानी कि और, लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, लुक्ड यानी देखा, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी जिसका मतलब होता है का के की, द अदर यानी दूसरा विंडो यानी खिड़की, यानी कि दूसरी खिड़की के बाहर देखा. मतलब कि उन्होंने जो रेल का डब्बा था उसे पार किया और दूसरी खिड़की के बाहर देखा, यानी कि वो दूसरे डब्बे में या दूसरे सीट पे गए और उस खिड़की के बाहर उन्होंने, अन्य खिड़की के बाहर उन्होंने देखा. लिट अ सिगरेट, लिट यानी जलाया, अ सिगरेट यानी कि एक सिगरेट को मैंने जलाया. सैट डाउन यानी नीचे बैठा. एंड बिगेन टू रीड, एंड यानी कि और, बिगेन यानी शुरू किया, टू रीड यानी पढ़ना, अगेन यानी फिर से, यानी कि मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया. तो ये जो पूरा लाइन है, इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, यानी कि जब मेरे सहयात्रियों में से जो अंतिम सहयात्री था वो चला गया. आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने अखबार को नीचे रखा. स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथों और अपने पैरों को फैलाया. स्टूड अप, खड़ा हुआ. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा. ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था. नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, और मैं देख रहा था उस पीली झलक को, जो दिन मतलब दिन की पीली झलक की स्मृतियों को. दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, जो अभी भी ठहरी हुई थी उत्तरी आसमान में. क्रॉस द कैरियज, मैंने उस डब्बे को पार किया. एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा. लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया. सेट डाउन, नीचे बैठा. एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया. इट वॉज देन, इट यानी यह, वॉज यानी था, देन यानी तब, दैट यानी की, यानी कि यह तब था कि आई बिकेम अवेयर. आई यानी मैं, बिकेम यानी हो गया, अवेयर यानी जागरूक, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर. ऑफ यानी कि का के की, माई यानी मेरा, फेलो ट्रेवलर यानी कि सहयात्री. तो जो लेखक वो कह रहे कि इट वॉज देन, यानी कि यह तब था, दैट आई बिकेम अवेयर, कि मैं जागरूक हो गया, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मेरे सहयात्री के लिए, यानी कि उनको पता चल गया कि उनका जो, यही वो समय था जब उनको पता चला कि उनका एक सहयात्री अभी भी उनके साथ है. ही केम, ही यानी वह, केम यानी आया, यानी कि वह आया. एंड यानी कि और, सैट ऑन माई नोज, सैट यानी बैठा. ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, नोज यानी नाक, यानी कि मेरे नाक पर बैठा. ही वॉज वन ऑफ दोज, ही यानी वह, वॉज यानी था. वन ऑफ दोज यानी उनमें से एक. विंगी यानी पंखधारी, निप्पी यानी तेज, इंट्रेपिड यानी कि साहसी, इंसेक्ट्स यानी कीड़ा, यानी कि यह वह उनमें से एक पंखधारी तेज वह साहसी कीड़ा था. दैट वी कॉल, दैट यानी कि जिसे, वी यानी हम, कॉल यानी कहते हैं,
यानी कि यह उनमें से एक पंखधारी तेज व साहसी कीड़ा था, जिसे हम कहते हैं वैगिली मॉस्किटो। वैगिली का जो मतलब है वो होता है कि अस्पष्ट, मॉस्किटो यानी मच्छर। तो लेखक बता रहे कि ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रेपिड इंसेक्ट, यानी कि वह उन कीड़ों में से एक पंखधारी तेज व साहसी कीड़ा था, जिसे हम कहते हैं अस्पष्ट मच्छर, यानी कि जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम, आई यानी मैं, फ्लिक्ड यानी कि हटाया, हिम यानी उसे, यानी कि मैंने उसे हटाया, ऑफ माई नोज, माई नोज यानी कि मेरे नाक, यानी कि मैंने उसे अपनी नाक से हटाया। एंड और ही मेड अ टूअर, ही यानी वह मेड यानी यहाँ पे होगा किया, अ टूअर यानी यात्रा, यानी कि उसने एक यात्रा किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, ऑफ का मतलब होगा का, द कंपार्टमेंट यानी डब्बा, यानी कि वो रेल का डब्बा, यानी कि उसने उस रेल के डब्बे का यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड यानी कि निरीक्षण किया, इट्स थ्री डायमेंशंस, इट्स यानी उसका, थ्री डायमेंशन यानी कि तीन किनारे, यानी कि लंबाई, ऊंचाई और गहराई, यानी कि उसने उसी उसके उस डब्बे के तीनों किनारों का निरीक्षण किया। विजिटेड यानी कि गया, ईच विंडो, ईच यानी हर विंडो यानी खिड़की, यानी कि वो हर खिड़की पर गया। फ्लटर्ड यानी फड़फड़ाया, राउंड द लाइट, राउंड यानी आसपास, द लाइट यानी प्रकाश के। तो ये जो लाइनें इसमें लिखकर कह रहा है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ यानी कि मैंने उसे हटाया, माई नोज मेरे नाक से, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस रेल के डब्बे की एक यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, और उसके तीन किनारों यानी कि लंबाई, ऊंचाई और गहराई की का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, और हर एक खिड़की पे वो गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो प्रकाश था यानी कि जो बल्ब था उसके किनारे किनारे वो फड़फड़ाया। डिसाइडेड यानी कि तय किया, दैट यानी कि देयर वॉज नथिंग, देयर यानी वहां, वॉज यानी था, नथिंग यानी कुछ नहीं, यानी कि उसने तय किया कि वहां पे कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, सो यानी अत्यधिक, इंटरेस्टिंग यानी रुचि में, यानी कि वहां पर कुछ भी अत्यधिक रुचि में नहीं था। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, एज यानी जैसे या जितना, दैट यानी कि, या फिर यहाँ पे होगा उस, लार्ज यानी बड़ा एनिमल यानी जानवर, इन द कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोना, इन यानी में, यानी कि कोने में। तो जो लेखक है वो यहाँ पे बता रहे कि वो जो है हर जगह उस डब्बे में घूमा, तब उसने ये डिसाइड किया, यानी कि उसने ये तय किया, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहां पर उन सभी कोनों में कुछ भी मजेदार या कुछ भी रुचिमय नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि उस बड़े से जानवर में है जो कि कोने में बैठा हुआ है। केम यानी कि तब वो आया, एंड और हैड अ लुक एट माई नेक, हैड यानी कि किया, अ लुक यानी कि अवलोकन, यानी कि उसने एक अवलोकन करने, यानी कि देखना, यानी कि उसने देखा। एट माई नेक, एट यानी पर, माई नेक यानी कि मेरा नेक यानी गर्दन, यानी कि उसने मेरे गर्दन की का अवलोकन किया, यानी मेरे गर्दन को ध्यान से देखा। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से हटाया, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस रेल के डब्बे का एक यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, और उसके तीन किनारों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पे गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो प्रकाश था उसके अगल बगल घूमा। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग, और उसने तय किया कि अब उन किनारों में कुछ भी मजेदार चीज नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि उस
कोने में बैठे हुए बड़े से जानवर में है. केम वो आया एंड हैड अ लुक एट माय नेक, और मेरे गर्दन की अवलोकन किया. तो चलिए इस पैराग्राफ को एक बार और देख लेते हैं. ऑन दिस नाइट, यानी कि इस रात में, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई भी चीज नहीं की. दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, वो चीजें मुझसे हुई ही नहीं. वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, यानी कि मैंने जो किया वो बहुत ही सामान्य था. When the last of my fellow passengers had gone, यानी कि जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, मैंने अपने अखबार को नीचे रखा, stretched my arms and my legs, अपने हाथों को और अपने पैरों को फैलाया, stood up, खड़ा हुआ and looked out of the window, और खिड़की के बाहर देखा. On the calm summer night through which I was journeying, उस शांत सी गर्मी की रात को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था. Noting the pale reminiscence of day, यानी कि जो दिन की स्मृतियों की जो पीली पीली झलक थी उसे मैं देख रहा था. दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, जो अभी भी ठहरी हुई थी उत्तरी आसमान में. क्रॉस द कैरियज, मैंने वो जो रेलगाड़ी का डब्बा था उसे पार किया. एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा. लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सैट डाउन, नीचे बैठा. एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया. इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, ये वही वक्त था जब मुझे मेरे सहयात्री के बारे में पता चला या जानकारी मिली. ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरे नाक पर बैठ गया. ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैग्युली मस्क्यूटोज, कह रहे कि वो उनमें से एक पंखधारी तेज और साहसी कीड़ा था जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं. I flicked him off my nose, मैंने उसे अपनी नाक से हटाया. And he made a tour of the compartment, और उसने रेलगाड़ी के डब्बे की एक यात्रा की. Investigated its three dimensions, उसके तीन किनारों यानी कि ऊंचाई, लंबाई और गहराई का निरीक्षण किया. Visited each window, हर एक खिड़की पे गया. Fluttered round the light, और हर एक प्रकाश की जगह के अगल बगल घूमा. Decided that there was nothing so interesting, और जब उसने ये तय किया कि वहाँ पे कोई भी मज़ेदार चीज़ नहीं है. As that large animal in the corner, जितना कि उस बड़े से जानवर में है जो कि कोने में बैठा है. Came and had a look at my neck, तब वो आया और मेरे गर्दन का अवलोकन किया. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि उस रात को जो उन्होंने तय किया था कि वो क्या क्या चीज़ करेंगे या क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जब वो अकेले हों, उसमें से कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं की, और या फिर कह सकते कि वो चीज़ उनसे हुई ही नहीं. जो उन्होंने किया वो बहुत ही सामान्य था. जब उनका अंतिम सहयात्री उतर गया तब उन्होंने अपने पेपर को नीचे रखा, अपने बाहों को और अपने पैरों को फैलाया. वो खड़े हुए और उन्होंने खिड़की के बाहर देखा. उस रात्रि में, यानी कि उस गर्मी की शांत रात्रि में जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, और खिड़की के बाहर उत्तरी आसमान में अभी भी जो दिन की पीली झलक थी वो दिख रही थी. उन्होंने एक डब्बे को पार किया और दूसरी खिड़की से बाहर देखा. तब उन्होंने अपना सिगरेट जलाया, वो बैठे और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया. वही वो समय था जब उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं है, उनका एक साथी यात्री भी उनके साथ है. उनका जो सहयात्री था वो आया और उनकी नाक पर बैठ गया. वो उन कीड़ों में से एक कीड़ा था जो कि एक पंखधारी था, जो बहुत तेज था और साहसी था, जिसे हम कहते हैं एक स्पष्ट रूप से एक मच्छर. उन्होंने उसे अपनी नाक से हटाया, तब वो गया और उसने एक डब्बे का पूरा यात्रा किया और उसके तीन दिशाओं को, उसके तीन किनारों को का निरीक्षण किया. और हर एक खिड़की के पास वो घूमा और हर एक प्रकाश, यानी कि हर एक बल्ब और जहाँ से भी उसे प्रकाश मिल रहा था उसके अगल बगल घूमा.
तब उसने तय किया कि अब वहां पर कोई भी चीज मजेदार नहीं है जितना कि वो कोने में बैठा हुआ बड़ा सा जानवर मजेदार है। इसीलिए वो आया और उन्होंने लेखक की गर्दन का अवलोकन किया, यानी कि उनके गर्दन पर बैठा या उनके गर्दन के को देखा। तो ये सभी चीजें उनके साथ उस रात में हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी नया सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।